जोहार कृषि दर्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जोहार भौजी, जोहार किसान मन। तो चलिए, और बहुत सारी बातें भी आज हम लेकर आए हैं बताने के लिए। सही बात है। क्या क्या बता देते हैं लेकिन हम जानकारी आपको ढेर सारी आज देंगे, लेकिन जानकारी से पहले जैसे हर बार हम करते हैं, देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ सबा गुलरेस। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। लोहरदगा के पशुपालकों के लिए होगा अनुदान पर दुधारू मवेशी वितरण। झारखंड मछली उत्पादन में छठे स्थान पर पहुंचा। मिट्टी की अम्लीयता के उपचार के लिए करें चूना का उपयोग। अरब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत लोहरदगा जिले में दुधारू पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए दुधारू मवेशी वितरण किया जाएगा। इसमें 5 दुधारू मवेशी इकाई की स्थापना, 10 दुधारू मवेशी और 20 दुधारू मवेशी इकाई की स्थापना के लिए गाय भैंसों का वितरण किया जाएगा, जो सरकारी अनुदान और बैंक ऋण की सुविधा पर उपलब्ध होगी। इस योजना से लाभ लेने के लिए ग्रामीण पशुपालक, स्वयं सहायता समूह के सदस्य, प्रगतिशील किसान, युवा, शिक्षित बेरोजगार, लघु और बड़े उद्यमी जिला गव्य विकास कार्यालय लोहरदगा में 25 सितंबर तक आवेदन जमा कर सकते हैं। मछली उत्पादन के मामले में झारखंड देश भर में छठे स्थान पर पहुंच गया है। वर्ष 2001-2002 में झारखंड 23वें स्थान पर था। उस वक्त राज्य में कुल 14,000 मीट्रिक टन मछली का उत्पादन होता था। आज ये बढ़कर 1,04,820 मीट्रिक टन हो गया है। इस वर्ष राज्य में 106 करोड़ मछली जीरा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही इस वर्ष राज्य में 1,05,000 तालाबों में मछली पालन का काम चल रहा है। झारखंड के कुल कृषि योग्य भूमि के एक बड़े हिस्से की मिट्टी अम्लीय है। राज्य के किसान इस अम्लीय मिट्टी के उपचार के लिए साल में एक बार 3 से 4 क्विंटल चूना प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में मिलाएं। मिट्टी में मौजूद अम्ल की अधिकता किसी भी फसल के बेहतर उत्पादन में बाधक है। किसान भाई, आप अपने खेत की मिट्टी की जांच करवाएं। अगर जांच में अम्लीयता की समस्या हो तो उपचार के तौर पर कृषि विशेषज्ञ की सलाह पर मिट्टी में चूना या डोलोमाइट मिलाएं। अम्लीय मिट्टी के सुधार के लिए हमें चूना पदार्थ डालना चाहिए। चूना पदार्थ में है कि जैसे जो चूना है, एग्रीकल्चर ग्रेड जो लाइम बोलते हैं, दूसरा हो गया कि हमारा जो बेसिक स्लैग है, स्टील फैक्ट्री का जो एग्रीकल्चर ग्रेड बेसिक स्लैग है, तीसरा हो गया कि हमारा जो डोलोमाइट है। तीन मुख्य हिसाब से हम यहाँ जो झारखंड के परिप्रेक्ष्य में ये तीनों को डाल सकते हैं, और इनका मात्रा जो डालने का है 3 से 4 क्विंटल प्रति हेक्टर के हिसाब से साल में एक बार उसमें डाला जाता है। और ये डाल जिस टाइम में आप डालेंगे मिट्टी में थोड़ा नमी होना चाहिए, ताकि ये जब डालते हैं 15 दिन के बाद हम कोई फसल ले पाते हैं। किसान भाई, अगर आप तिलहनी फसल तोरी यानी तोरिया की खेती करना चाहते हैं तो 15 सितंबर से बुआई का काम शुरू कर दें। इस फसल से अच्छी उपज लेने के लिए T9BR23 या PT303 नामक उन्नत अनुशंसित प्रभेद का चयन करें। जो किसान तिलहनी फसल तोरिया लगाना चाहते हैं, वे 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक बुआई का काम पूरा कर लें। बुआई में 5 किलो बीज प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग करें, जिसमें कतारों के बीच 30 सेंटीमीटर और पौधों के बीच 10 सेंटीमीटर की दूरी जरूर रखें। अच्छी उपज के लिए T9BR23 या PT303 नामक उन्नत प्रभेद लगाएं। इनकी उत्पादन क्षमता 4 से 5 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। खेतों का दुरुस्त और मजबूत मेड़ ही अच्छा जल जमाव सुनिश्चित करता है। राज्य के किसान अपने खेतों में मेड़ बनाने के लिए कृषि उपकरण बंड फार्मर की सहायता ले सकते हैं। आइए जानते हैं आज के लिए क्या है कृषि विशेषज्ञ की सलाह। बरसात के मौसम में पशुओं के अनेक प्रकार के रोग होते हैं। वातावरण में बहुत ही ह्यूमिडिटी होती है, जिससे कि इंडो पैरासाइट का प्रकोप ज़्यादा होता है। तो किसानों को डिवर्मिंग के लिए फेलवेंडाजोल का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि
इंडो पैरासाइट जो है जानवरों से दूर हो जाए। दूसरी बात है कि जो दुधारू जानवर हैं उसमें मिस्टाइटिस टाइस का प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है, तो उसमें किसान सावधानी ये बरतें हैं कि जहाँ गाय को बांधते हैं उस फर्द को प्रतिदिन जो है फिनाइल से धुलाई करवाएं और उसको साफ सुथरा रखें, और दुहने के बाद गाय को जो है सूखे स्थान पर बांधें जिससे इसका प्रकोप कम हो। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब मंडी भाव में आई नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडा रांची में विभिन्न खदानों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 2300 रुपए से 2400 रुपए, चावल मध्यम 2500 रुपए से 2600 रुपए, चावल उत्तम 3600 रुपए से 3700 रुपए, गेहूँ 1650 रुपए से 1750 रुपए, चना 3400 रुपए से 3450 रुपए, दाल अरहर 6200 रुपए से 6300 रुपए, दाल मसूर 5600 रुपए से 5700 रुपए, दाल चना 3750 रुपए से 3850 रुपए, सरसों तेल 8500 रुपए से 9000 रुपए, चीनी 3400 रुपए से 3500 रुपए, आलू 1300 रुपए से 1500 रुपए और प्याज 1300 रुपए से 1500 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। किसान मन एखन हमारे मन देखत रही सबको मिलजुल के कृषि समाचार, और इकर तहत हमारे मन बहुत बढ़िया बढ़िया जानकारी ले ली, नवा नवा तकनीक के जान ली और मौसम के मिजाज के बारे में भी पूरी तरीके से हम सतर्क हो गए। एकदम एकदम सही कह ली। और बाजार भाव के भी हमारे मन जान ली कि का आज कर बाजार भाव कैसन रहलक। बिल्कुल, और जानकारियां हम लेकर आए हैं, लेकिन अभी मैं बिल्कुल नहीं बताने दूंगी। अरे मैं बताओ भाई, यहां पर रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। देखो कहीं जा मैं, क्योंकि हमारे मन तुरते आवत। जी हां, ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है, अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं, और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें, और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिन भिनाहट में, खुशियों की आहट में, NHM बागवानी मिशन, हमारी चाहत आपकी मुस्कुराहट। बिल्कुल, और आज हम जानकारी लेकर आए हैं कि जो सोयाबीन की खेती हमारे किसान करते हैं, वो अगर वैज्ञानिक विधि से इसकी खेती करे तो उनको कैसा मुनाफा होगा। एकदम एकदम सही कह ली, एकदम सटीक बात कर उन्हें कही दिली आज तो, है नहीं? तो किसान मन हमारे मन की कर जानकारी रखना बहुत जरूरी है भाई, की खेती तो हमारे मन करी ला, लेकिन अगर वैज्ञानिक तरीके से खेती करब तो हमारे मन कर उत्पादन बगरा होगी, हमारे मन के मुनाफा ज्यादा होगी। किसान भाइयों, आज हमारे साथ हैं डॉक्टर
उदय कुमार सिंह, जो हमें वैज्ञानिक तरीके से सोयाबीन की खेती के बारे में जानकारी देंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि हमारे झारखंड राज्य में सोयाबीन की खेती की क्या संभावनाएं हैं। किसान भाई, झारखंड में हम लोग के सोयाबीन की खेती के लिए काफ़ी उपयुक्त जलवायु है, मिट्टी है और इसकी अपार संभावनाएँ हैं। जिस तरह से हम छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में सोयाबीन की खेती से किसान भाई काफ़ी लाभान्वित हुए और समृद्ध हुए हैं, उसी तरह हम झारखंड के भी उस सोयाबीन को भविष्य के लिए एक बेहतर फसल के रूप में चिन्हित करते हैं, देखते हैं। इसमें एक ही संभावना रखते हैं कि जो हमारा जो मिट्टी का हम चुनाव करते हैं खेती के लिए, वैसे ज़मीन का चुनाव करेंगे जहाँ का जल जमाव नहीं होता हो, चूँकि झारखंड के अधिकांश ज़मीन जो टाण वाला ज़मीन है, ढालू ज़मीन है, जहाँ जल निकास की व्यवस्था बिल्कुल रहती है, जल जमाव नहीं होता है, इसलिए झारखंड के खेत परिवेश में एक सोयाबीन की खेती बहुत ही सफल खेती हो सकती है, इसकी संभावना बहुत अधिक है। लेकिन सोयाबीन की खेती करने के पूर्व भूमि की तैयारी कैसे करें? किसान भाई, भूमि की तैयारी में हम लोग जब ऐसा है कि खेती करते समय, उसके चयन करते समय हम विशेष ध्यान रखते हैं कि ऐसा ज़मीन न हो जिसमें जल जमा हो, जल निकास की व्यवस्था सुदृढ़ होनी चाहिए और ऐसे ज़मीन का भी चुनाव न करें जहाँ अम्लीय हो, चूँकि प्रायः ऐसे खेत में ही सोयाबीन की खेती सफल होती है जहाँ पर पीएच मान 6.5 या इससे अधिक होता है, तो इसमें हम उस तरह के ज़मीन में करें। इसको 2-3 बार गहरी जुताई करके भुरभुरी बना लेते हैं, उसके बाद पट्टा चला लेते हैं खेत की तैयारी करते समय, उस तरह के हम खेत की तैयारी कर सकते हैं। तो वो कौन कौन से मुख्य प्रभेद हैं सोयाबीन के जो हमारे किसान भाई अपने खेतों में इस्तेमाल कर सकते हैं? किसान भाई, एक प्रत्येक फसल के हम लोग खेती करते हैं उसके लिए जो बीज है एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक होता है, उसी पर बहुत हमारा उपज भी निर्भर करता है, एक महंगा उपादान भी होता है, इसलिए इस पर हम विशेष ध्यान देते हैं। और जो उन्नत प्रभेद झारखंड के लिए जो अनुशंसित किस्में हैं, उसमें हम बिरसा सोयाबीन एक है, बिरसा सोयाबीन सफ़ेद 2 वैरायटी है, JS 335 वैरायटी है, कुछ अन्य इस तरह से प्रभेद है जिनका हम चुनाव कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, सोयाबीन की खेती के लिए उपयुक्त समय क्या है हमारे किसान भाइयों के लिए? किसान भाई, सोयाबीन एक खरीफ की फसल है और इसमें जो लगाने के लिए उपयुक्त समय है उसको हम लोग जो प्रथम मानसून की वर्षा होती है उसके बाद लगा सकते हैं। इसके लिए 15 जून से 15 जुलाई तक का सबसे उपयुक्त समय माना जाता है। उसमें जो हम अर्ली जो आघात बुआई करते हैं उस समय विशेष सावधानी रखते हैं कि जिस समय सोयाबीन की खेती कर रहे हैं उस समय खेत में पर्याप्त नमी हो जिससे कि बीज की अंकुरण अच्छा से हो जाए। डॉक्टर साहब, बीज की मात्रा हमारे किसान भाइयों के लिए खेतों में क्या होनी चाहिए और उसे लगाने की विधि क्या होनी चाहिए? बीज लगा जो हमारा दर है एक हेक्टेयर के लिए, किसान भाई जैसा बताया गया कि आप 75 से 80 किलोग्राम बीज लगाने की आवश्यकता पड़ती है एक हेक्टेयर के लिए, या उसमें हम लगाने के लिए जब खेत की तैयारी कर लेते हैं, समतलीकरण कर लेते हैं, जल निकास की व्यवस्था कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको लाइन से लगाते हैं। लाइन से लाइन की दूरी पर हम 45 सेंटीमीटर की दूरी रखते हैं और पौधे से पौधे के लिए हम इसको 10 से 15 सेंटीमीटर पर बीज की बुआई करते हैं, ये उपयुक्त इसका दूरी है। सोयाबीन की खेती के लिए जो खाद एवं उर्वरक होती है वो क्या होती है और कितने मात्रा में होनी चाहिए, कब कब देनी चाहिए हमारे किसान भाइयों को सोयाबीन की खेती के लिए? जैसा कि लेग्यूमिनस दलहन क्रॉप है, फसल है, और इसमें तो इसमें नाइट्रोजन की कम आवश्यकता पड़ती है बहुत, इसलिए किसान भाई हम इसमें उर्वरक प्रबंधन बेहतर तरीके से करने पर ही अच्छा उपज प्राप्त होगा, इसलिए हम इसके लिए 20 किलोग्राम नत्रजन, 80 किलोग्राम फॉस्फोरस, 40 किलोग्राम पोटास और 40 किलोग्राम सल्फर, ये प्रति हेक्टेयर की दर से हम इसके लिए व्यवहार करते हैं। इसके लिए किसान भाई जो फॉस्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा हम बुआई करते समय ही खेत में व्यवहार करते हैं। अगर किसान भाई के पास उपलब्ध है तो 5 से 6 टन कंपोस्ट जो खेत की तैयारी करते समय हम मिलाकर खेत की तैयारी करते हैं तो इससे और अच्छा उपज प्राप्त हो जाता है। इस रासायनिक खाद व्यवस्था के लिए हम अगर प्रति हेक्टेयर 175 केजी DAP और लगभग 70 से 75 केजी म्यूरेट और पोटास का व्यवहार प्रति हेक्टेयर की दर से करते हैं तो हमारा खाद का व्यवस्था क्रॉप के लिए हो जाता है। सल्फर इसके लिए हमको 40 किलोग्राम प्रति अलग से व्यवहार करते हैं। जैसा कि हम ये भी जानते हैं कि झारखंड राज्य में बारिश थोड़ी कम हो रही है और होती भी है, तो सिंचाई व्यवस्था हमारे किसान भाइयों को कैसी रखनी चाहिए?
सिंचाई व्यवस्था किसान भाई, जैसा कि बताया गया कि खरीफ फसल है और अमूमन ये अगर हम अगात फसल करते हैं तब इसमें सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है, नहीं तो ये वर्षा आधारित खेती है और वर्षा से ही सिंचाई प्रायः हो जाता है। एक और महत्वपूर्ण जैसा कि चर्चा में आया हम लोग अभी किसान भाई कि इसमें एक अम्लीय फसल अम्लता से ज़मीन में है तो उसकी उपज क्षमता प्रभावित होती है, इसलिए यदि हमारा खेत का ऊपरी ज़मीन अगर अम्लीय है तो खेत में हम 3 से 4 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से बोते समय नाली में चूने का व्यवहार करें जिससे इससे कि उपज क्षमता काफ़ी अधिक हो जाती है। डॉक्टर साहब, सोयाबीन की खेती का जो कटाई का जो समय होता है वो क्या होनी चाहिए? इसके कटाई के लिए स्पष्ट लक्षण किसान भाई जैसा दिखेगा कि जो ही आपका फसल कटने के लिए तैयार हो जाएगा तो पूरे खेत में पूरे फसल पीला पीला पड़कर और पत्ती उसके झड़ने लगता है और पौधे में फली केवल रह जाता है। तो इस तरह से जमीन आप देख लें कि जब पूरे खेत का पौधा पीला होकर झड़ गया तो खेत समझ जाना चाहिए कि हमारा फसल पौधा पककर तैयार हो गया और काटकर उसके उचित भंडारण कर ले। तो किसान भाइयों, आपने देखा कि हमारे डॉक्टर साहब ने सोयाबीन की खेती के बारे में कितनी अच्छी जानकारी दी। हम आशा करेंगे कि ये सारी जानकारी आप लेकर अपने खेतों में प्रयोग करके खूब मुनाफे कमाएंगे और खूब खुशहाली में भी रह सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुपर जानकारी है, बहुत नगद जानकारी किसान मन। देखो हमारे मन सोयाबीन कर खेती तो करत रही पहले, लेकिन जो मुनाफा हमारे मन के कम हुआत रहे उकर पीछे कारण हमारे मन जान गेली। अब वैज्ञानिक तरीके से आप खेती कर हमारे मन, और वैज्ञानिक विधि से खेती करने से मुनाफा जो है ना वो डबल हो जाता है एकदम एकदम। और दूसरी जानकारी हमारे मन के दूसरी जानकारी देने से पहले देख लेते हैं एक संदेश। प्रणाम मास्टर जी। हाँ, प्रणाम प्रणाम। क्या बात है बिरजू, बहुत उदास नजर आ रहे हो। हाँ, शहर कमाने जा रहा हूँ, नहीं तो खाऊंगा क्या। मगर तुम्हारे पास तो काफी जमीन है। मगर सब बेकार मास्टर जी, बरसात में भगवान भरोसे थोड़ा बहुत खेती हो जाता है, बाकी दिन तो खेत पड़ती ही रहता है ना, और खेतों को तो भरपूर पानी चाहिए। अरे बिरजू, पानी खेतों को नहीं फसलों को चाहिए। मतलब? मतलब ये कि सूक्ष्म सिंचाई विधि अपनाकर यदि सिंचाई की जाए तो 30 से 50% पानी की बचत की जा सकती है। सूक्ष्म सिंचाई पद्धति ये क्या है? सूक्ष्म सिंचाई पद्धति यानी टपक विधि या स्प्रिंग वेल सिस्टम। मगर देखो बिरजू, अगर मगर कुछ नहीं, किसानों के लिए सरकार के द्वारा अनुदान और बैंक ऋण की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। सच? सच, 100% सच। और खुशियों की गारंटी। बहुत बढ़िया संदेश रहे, और भाई हमरे मन करी पानी बचाए करी संदेश रहे। बिल्कुल, पानी बचाना है तभी तो जीवन बचेगा। एकदम एकदम रोड़े सही बात के कहली, बूंद बूंद विधि से हमरे मन अगर पानी कर बचत करा थी, खेती करा थी, तो पानी तो बाची संगे संगे खेती भी बढ़िया हुई जाए। बिल्कुल, तो लगे लगे आपकी भाषा में जल्दी से दे दीजिए जानकारी। बहुत बढ़िया किसान मन। देखो हमरे मन दूसर जानकारी करब कि झारखंड का जो परिवेश है इकर में समेकित कृषि प्रणाली कैसे उपयोगी हमरे मन खातिर हो सकेला, जानकारी के बारे में है। हाँ, और आज ये सारी जानकारी हमें देंगे हमारे विशेषज्ञ सी एस सिंह जी। किसान भाइयों, आज हम मौजूद हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के प्रांगण में, और आज के अंक में हम आपको जानकारी दे रहे हैं झारखंड राज्य के परिवेश में कृषि प्रणाली की उपयोगिता, समेकित कृषि प्रणाली की उपयोगिता के विषय में, और इसकी विस्तृत जानकारी के लिए हमारे साथ विशेषज्ञ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले ये बताइए कि झारखंड राज्य के परिवेश में जो समेकित कृषि प्रणाली है इसे किसान भाई कैसे समझे, क्या है ये समेकित कृषि प्रणाली? समेकित कृषि प्रणाली में हम किसान भाइयों को कहते हैं कि आप कृषि के जितने भी उद्यम हैं, जैसे वो मछली पालन हो गया, बकरी पालन हो गया, गाय या भैंस पालन हो गया, मवेशी पालन, कृषि वानिकी, मधुमक्खी पालन, साथ में मशरूम उत्पादन, जितने भी तरह के कृषि के उद्यम हैं उनको एक साथ एक अनुपात में रखना, ताकि वो एक उद्यम दूसरे उद्यम की मदद कर सके, जिससे कृषि में लगने वाली लागत को हम कम कर सकें और किसानों की आमदनी को बढ़ाया जा सके। इसी को हम समेकित कृषि प्रणाली कहते हैं।
से मैं किसान भाई के लिए, किसान भाइयों के लिए जो ये लोग पहले से करते आ रहे हैं, तो उनके लिए क्या नयापन है इस समेकित कृषि प्रणाली में? नहीं, जैसा आपने कहा कि मिश्रित कृषि हुई, मिश्रित कृषि वही हुई जो आप बता रहे हैं कि पहले जो किसान भाई करते चले आ रहे थे उसको हम मिश्रित कृषि करते थे। मिश्रित कृषि का मतलब हुआ कि किसान भाई कृषि का मान लीजिए खेती कर रहे हैं, खेती के साथ उन्होंने दो गाय रख लिया है, दो भैंस रख लिया है या कुछ जानवर को रखा हुआ है, उसमें किसान भाइयों का ध्येय रहता था कि उस दो गाय को जो रखा है ताकि मेरे परिवार को दूध मिल सके। किसान अपनी जो घरेलू ज़रूरतों को पूर्ति करने के लिए वो दूसरे उद्यम को रखा हुआ था ताकि उसकी घरेलू ज़रूरतें पूरी हो सके, जबकि समेकित किसी प्रणाली में हम जितने भी उद्यम हैं उनको एक अनुपात में रखते हैं। ये नई टेक्नोलॉजी है जिसमें हमको एक अनुपात में रखना है, तभी एक उद्यम दूसरे उद्यम की मदद कर पाएगा। तो समेकित किसी प्रणाली एक नया एग्रोनॉमी का, सस्य विज्ञान का नया रिसर्च का फील्ड है जिसमें हम खेत में आपकी जोत का क्या आकार है उसके अनुसार हम डिफरेंट अनुपात में सभी उद्यम को रखेंगे, तभी वो एक दूसरे की मदद करेंगे और किसान भाई ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी प्राप्त कर सके। जी, समेकित कृषि प्रणाली को अगर किसान भाई हमारे अपनाते हैं झारखंड प्रदेश के परिवेश में, तो उससे क्या लाभ कमा पाएंगे, वो कितना मुनाफा होता है इस तरह की कृषि प्रणाली से? किसान भाई पहले जैसे एक किसान भाई के पास अगर 8 एकड़ या 10 एकड़ की ज़मीन थी, उनके 4 बेटे हुए तो बट के वो 2 एकड़ में हो गया, फिर उसके बाद अगर बट रहा है तो और कम किसान भाइयों के पास हो गया, जिसके कारण वो कृषि से उतना ज़्यादा मुनाफा नहीं कमा पा रहे थे, उसके कारण उनका पलायन भी हो रहा था, वो गांव से शहरों की तरफ पलायन कर रहे थे। इसी को ध्यान में रखते हुए साथ में सस्टेनेबिलिटी जो वो है एक और मुद्दा है कि किसान भाइयों का जो खेती है उससे खेती में उत्पादन क्षमता धीमे धीमे खेत की घटती चली जा रही थी, तो उसको बरकरार रखने के लिए ये सब को ध्यान में रखते हुए समेकित कृषि प्रणाली को बनाया गया है, जिसमें किसान भाई अगर कृषि के विभिन्न उद्यम रख रहे हैं तो उनको इससे होगा कि जो आजकल मौसम में बदलाव हो रहा है जिसके कारण उनकी खेती में कई बार होता है कि सूखा पड़ गया और उनको कुछ भी उत्पादन नहीं हुआ, तो इसमें अगर वो तरह तरह के उद्यम साथ में रखे हुए हैं तो उनको हर एक उद्यम से रोज़ाना कुछ न कुछ मुनाफा प्राप्त होता रहेगा। साथ में जैसे हम बताया कि एक उद्यम दूसरे उद्यम की मदद करता है, जैसे किसान भाइयों को हम कहते हैं कि किसान भाई जितना भी उनका खेत का आकार है करीब 1/10 हिस्सा में उनको, झारखंड राज्य में तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि 1/10 हिस्सा में उनको सबसे पहले वाटर हार्वेस्टिंग करना चाहिए यानी जल संचय करना चाहिए। वो कम से कम जहाँ धान के बाद कोई फसल नहीं ले पाते हैं तो धान के बाद दूसरी फसल ले सकें, इसमें किसान भाई अगर दूसरी फसल ले रहे हैं तो कम जो जल संचय किए हैं तो उससे कम से कम दो सिंचाई कर सकते हैं, तो दो फसलों को लेने से उनकी क्रॉपिंग इंटेंसिटी है वो बढ़ेगी, उनका उत्पादन ज़्यादा होगा, साथ में जो वो जल संचय किए हुए हैं उसमें वो दूसरे तरह के उद्यम जैसे मछली पालन, प्रॉन कल्चर, मोती उत्पादन, हाँ इन तरह ये उद्यम भी उस पानी में कर सकते हैं, उससे भी उनको मुनाफा प्राप्त होगा। तो 1 हेक्टेयर ज़मीन में उनको तालाब बना लेना चाहिए, 1/10 हिस्सा हुआ उसका, और अगर 1 हेक्टेयर उनका तालाब है तो उसमें 7,000 से 8,000 करीब मछली का जीरा उनको उस तालाब में डालना चाहिए। खास ख्याल रखना चाहिए कि जो मछली का जीरा डाल रहे हैं तो वो अगर पॉलीकल्चर कर रहे हैं तो रोहू, कतला, मृगाल तीनों तरह की मछली को उसमें डालें, अगर उसके अलावा डालना चाहते हैं तो कॉमन कार्प, ग्रास कार्प, सिल्वर कार्प जैसी मछलियों को डाल सकते हैं या इन 6 को मिला के डालें, क्योंकि ये मछलियाँ पानी के डिफरेंट सतह पे रहती हैं, कुछ ऊपरी सतह में, कुछ बीच वाली सतह में, कुछ निचली सतह में, जैसे रोहू बीच वाली सतह में रहती है, तो अगर जैसे ही हम उसमें 9 से 10 फीट पानी रखते हैं तो 3 कमरा जैसा बन जाता है, और हर एक कमरा से अगर आपको उत्पादन प्राप्त करना है तो तीनों को एक अनुपात में डालना चाहिए, ऊपरी सतह वाली 30%, बीच वाली सतह वाली 30% तथा नीचे सतह वाली 40% मछलियाँ रहनी चाहिए, तभी तीनों कमरे से ज़्यादा मुनाफा कमा पाएंगे। अगर आप पूरा रोहू डाल देंगे तो उनके बीच में क्राउडिंग हो जाएगी, भोजन के लिए उनको दिक्कत होगी और वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मरने लगेंगी, तो इसलिए इस अनुपात में अगर डाल रहे हैं तो उनको किसान भाइयों को उससे ज़्यादा उत्पादन होगा। अब एक उद्यम जैसे हम बता रहे थे कि दूसरे उद्यम की किस प्रकार मदद करता है, तो अगर इतनी मछलियों को खिलाने में किसान भाइयों को कुछ न कुछ उनका कॉस्ट लगेगा, तो इसके लिए अगर वो किसान भाई 200 से 300 बत्तख या 500 से 600 मुर्गी या 75 से 80 सुअर या 5 से 6 मवेशी रख लेते हैं और उनका जो भी गोबर, डंग, जो कुछ हो रहा है अगर वो तालाब में जा रहा है तो किसान भाइयों को मछलियों को खाना देने की ज़रूरत नहीं है, वो इतना ज़्यादा फाइटोप्लैंक्टन का ग्रोथ करेंगे कि मछली उसके ऊपर खा के
पूर्णता रह सकती हैं, तो इस तरह से उनका जो लागत लग रहा है वो लागत में कमी आएगी। इसी प्रकार से जो दूसरे उद्यम हैं वो उद्यम भी एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, तो उनकी लागत घटती है। जब लागत घटेगी तो किसान भाई नेचुरली ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा पाएंगे। और इसमें पहला ही ध्येय हम लोग का होता है कि किसान भाई समेकित कृषि प्रणाली को अपना रहे हैं तो कुछ भी बाज़ार से कुछ भी उनको खरीदने की ज़रूरत ना पड़े, यहाँ तक कि न्यूट्रिशनल गार्डन रहे, उनको जो घरेलू रोज़ की सब्जी है, फल है, वो सारा कुछ उनको अपने खेत से मिले, जो उनको खाद डालना है वो मवेशी द्वारा वो खुद अपना खाद बनाए, कंपोस्ट बनाए, केचुआ खाद बनाए और उसी का अपने खेत में इस्तेमाल करें, ताकि उनको बाज़ार से कुछ भी चीज़ों की खरीदने की ज़रूरत न पड़े और शुद्ध उनको जो कुछ भी खेत में उनके पैदा हो रहा है वो शुद्ध उनका मुनाफा हो, रोज़ाना उनको अंडा, मीट, मछली ये सब बेच के कुछ ना कुछ रोज़ाना उनकी कुछ ना कुछ आमदनी होती रहे, जिससे वो अपनी घरेलू ज़रूरतों को पूरा करते रहें, साथ में खेत में अगर खाद डालना पड़ गया या कुछ भी ज़रूरत पड़ गया तो उसके लिए उनके पास पर्याप्त मात्रा में धन रहे तो तुरंत वो अपने खेत में उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये समेकित कृषि प्रणाली का उद्देश्य है। आग्रह करते हैं आपसे कि आप इनसे भी जानकारियों को अपनाएं और आप समेकित कृषि प्रणाली को भी अपनाएं। आप हमारे कार्यक्रम में आए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो किसान मन एखन हमारे मन बड़ा बढ़िया जानकारी कर ली, डॉक्टर सीएस सिंह हमारे मन के जो जानकारी दिले बड़ा बढ़िया हमारे मन खाते बिल्कुल। और आपकी भाषा में लगे लगे वाला जो आप बोलते हैं उसी के साथ साथ अब ये भी हम बता दें कि हमारा पता क्या है। अरे वाह, मने जाय कर बेरा हो जाते किसान मन, लेकिन पता रोर मन के जरूर हमारे मन कर भौजी बताए ना, चल लगे तो बताए जरूर। लिख लीजिए, हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, और पिन संख्या 8340001। तो आपके खतों का रहता है हमें बेसब्री से इंतजार, आप हमें खत लिखें, जो भी समस्या है वो भी जरूर लिखें ताकि हम उसका समाधान निकाल सकें। एकदम एकदम। तो भौजी अब हमरे मन के जाए चाहिए, हाँ। दूसरा दिन फिर हमरे मन भेंट करब, मने अगला सप्ताह बुध के जरूर आवा हमरे मन, तब तक ले हमरे मन के विदा देव। जोहार।